मैं हेमंत गौतम पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हूँ सिलगढ़ी संगठन जिला। एमसी तो गोरखालैंड का सपोर्ट करेगा ही नहीं, लेकिन बीजेपी भी क्या लगता है कि अगर गोरखालैंड का डिमांड हुआ तो क्या ये सपोर्ट में आएगा, या तराई का नेपाली और नॉन नेपाली जितना भी है जो बीजेपी में है क्या गोरखालैंड का सपोर्ट कर पाएगा? देखिए ये बहुत बड़ा मामला है, इसीलिए मैं इसमें अपने तरफ से कोई राय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि एक पार्टी का केंद्रीय समिति तय करती है और हम लोग एक जिला स्तर के कार्यकर्ते हैं, तो हमारे हिसाब से कोई इसमें कोई कमेंट पास करें ये सही समय नहीं होगा। अच्छा, लेकिन हम लोग सब कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गोरखाओं के हित के लिए, उनकी दीर्घकालीन समस्या के लिए काफी हद तक सब करना है, और कुछ भी हो सकता है, जब भी बीजेपी को लगे केंद्रीय समिति को लगे इसका कोई एक समाधान निकलेगा सरलतापूर्वक। अच्छा राजू बिष्ट जी फिर एक बार विजय बने हैं, क्या लगता है पीपीएस का मुद्दा क्या फतेह कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे, उनका तो मुद्दा ही था पीपीएस का और 11 जनजातियों का मुद्दा था, ये वही करेंगे क्योंकि 5 साल था, 5 साल में उन्होंने फॉलो अप लिया, काम किया, करते करते इतना टाइम निकल गया, तो अभी फिर दोबारा वो जीते हैं, जनता का उनके ऊपर विश्वास है और वो भी जनता को विश्वास करते हैं और वो खुद भी इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है, तो मुझे लगता है काफी हद तक ये समस्या समाधान हो जाएगा। अच्छा जो बीजेपी पार्टी में भी गोरखा और नॉन गोरखा जितना भी है, नॉन गोरखा जितना भी, चाहे जो पार्टी का क्यों ना हो, जो जाति का क्यों ना हो, क्या गोरखालैंड का मुद्दा अगर सामने आया क्या सपोर्ट मिलेगा? देखिए ये पार्टी सबको साथ में लेके तय करती है, क्योंकि ये मैं अगर बोलूं और एक जाति का खाली बात बोलूं ये सही नहीं होगा, क्योंकि देश में बहुत सारे राज्य हुए और देश का उसमें सहमति था, तो सहमति बना के इसको लेके आगे काम किया जाएगा। तो आप क्या व्यक्तिगत हिसाब से गोरखालैंड का समर्थन करते हैं? आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये अलग सा मामला है, लेकिन देश करता है कि नहीं करता है और पार्टी को सही लगता है, सही समय आएगा तो हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जीता है बंगाल में, और उत्तर बंगाल पहले से ही बीजेपी का काफी बड़ा गढ़ रहा था और इस बार भी रहा है, और हमारे माटीगढ़ नक्सलबाड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है सबसे बड़ा बीजेपी का हब बन के निकला हुआ है, पहले 5 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी था, अभी भी है, इस बार भी हमने लगभग 84,000 वोटों से जीता हुआ है और यहाँ पर दूसरे पार्टी ना के बराबर है, वो फॉरफिट हो गए, इस तरह का एक माहौल है, और बीजेपी है और चंपासरी उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट चंपासरी में हुआ है, क्योंकि टीएमसी को जहाँ 9,000 मिला वहाँ हमें 19,500 मिला, हालांकि उनका पंचायत है, पंचायत समिति, महकुमा परिषद, सरकार उन्हीं के हाथ में है, पुलिस प्रशासन, डंडा, साम दाम, दंडभेद उन्हीं के हाथ में थे, फिर भी जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया, तो जनता हमारे साथ है और यहाँ का विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। अच्छा विधानसभा इलेक्शन आने वाला, इसके बारे में आप लोग का क्या है कि विजय निश्चित होगा? बिल्कुल नहीं, विधानसभा 2 साल बाद में होने वाला है, 2 साल बाद में होगा, 26 में इलेक्शन होगा, 26 तक हम लोग काफी अच्छा एक रणनीति लेके आएंगे और विधानसभा में अगले बार बीजेपी का सरकार बनाता है। अच्छा पिछले बार जो लोकसभा में जो बीजेपी को सीट मिला था बंगाल में, लेकिन इस बार उतना मिला नहीं, तो इसका कमजोरी क्या हो सकता है? देखिए बहुत सारा कमजोरी है, ये आत्मचिंतन पार्टी में होता है और विचार का चिंतन होता है, पार्टी चिंतन करने के बाद जो निर्णय लेगा उसी को हम लोग फिर बोलेंगे, अभी पार्टी ने इसके विषय में कोई चिंतन किया नहीं है।